देशोस्ति हरियाणाख्यः पृथिव्यां स्वर्गसन्निभा। हजारों वर्ष पूर्व हरियाणा की धरा पर वेदों के ऋषियों और उपनिषदों के मुनियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः की प्रार्थना की थी। अंत्योदय के भाव से कटिबद्ध उसी हरियाणा प्रदेश की सरकार के पिछले 56 महीनों के सतत अथक एवं सार्थक प्रयास इस वैदिक कामना को साकार करने के पथ को तेजी से परिभाषित एवं प्रशस्त कर रहे हैं। 1 नवंबर 2014 को हरियाणा में सरकारी क्षेत्र में 56 अस्पताल, 109 CHC, 466 PHC थे, जिनमें 2730 डॉक्टर्स कार्यरत थे तथा 514 तरह की दवाइयां उपलब्ध थीं। परंतु आंकड़ों से परे धरातल पर आम धारणा यह थी कि प्रदेश में या तो अस्पताल नहीं, जहां अस्पताल हैं वहां डॉक्टर नहीं, जहां डॉक्टर हैं वहां दवाई नहीं, और अगर दवाई है तो साफ सफाई नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने का संकल्प लिया और एक के बाद एक असरदार निर्णय लिए और नए नए प्रकल्प शुरू किए। सस्ती और सुलभ आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं ये प्रदान करना भी हमारी प्राथमिकता है। जिला करनाल के गांव कुटेल में मेडिकल यूनिवर्सिटी तथा भिवानी में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला रेवाड़ी के मनेठी गांव में 200 एकड़ भूमि पर एम्स का एक केंद्र खोलने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कुरुक्षेत्र को आयुष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। जितने भी एसेंशियल मेडिसिन हैं उनको फ्री किया है। 570 दवाइयां ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी पेशेंट्स को जितने भी सरकारी हॉस्पिटलों में मिलती थी। 231 तरह के ऑपरेशन हैं जो अब फ्री होते हैं। वर्तमान जो हमारे डॉक्टर्स की लगभग 13,000 की संख्या है, इसको विश्व स्तरीय मापदंड के हिसाब से हम 27,000 डॉक्टर्स अपने प्रदेश के अंदर भर्ती कर सके या उनकी सेवाएं ले सके, इस प्रकार का हमारा कार्यक्रम है। डॉक्टर्स कम है, इन डॉक्टर्स की जिस प्रकार से और भर्ती होगी, क्योंकि डॉक्टर कुल मिलाकर के जितने ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनेंगे उसके बाद ही डॉक्टर्स का 5-6 साल के बाद निर्माण होता है। हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो बात कही है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में अभी 15-16 मेडिकल कॉलेज जो या तो चल रहे हैं या पाइपलाइन में है, और बाकी भी हमने 22 मेडिकल कॉलेज की बात कही हुई है। हम लगता है कि इस कार्यकाल के अंदर ही 22 का कुछ ना कुछ काम उसका पूरा करेंगे। जहाँ तक चिकित्सा इलाज, इसके नाते से हमने घोषणा की थी, हरियाणा के 22 जिले हैं, 22 मेडिकल कॉलेज कम से कम हरियाणा में होने चाहिए। और आपको मैं सूचना देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज जिस मेडिकल कॉलेज का हमने शिलान्यास किया है ये 19वां मेडिकल कॉलेज हो गया है। अभी 3 मात्र शेष बच्चे हैं, उनको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि इसमें एक और एम्स और जुड़ने वाला है जो हरियाणा के ही रेवाड़ी में बनेगा। मुझे बताया गया है कि मनेठी के जागरूक लोगों ने इस एम्स के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दी है। मैं सभी जनों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। ताजा आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश में 8 नए अस्पताल, 16 नए CHC तथा 43 नए PHC खोले गए, साथ ही 559 नए डॉक्टर्स की भर्ती की गई है। सरकार ने डॉक्टरों की सेवा निवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। आज सभी अस्पतालों में 739 तरह की दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने रोगियों को उपलब्ध करवाई जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं गुणवत्ता को बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसके किसी अस्पताल में कैथ लैब काम कर रही है। एज ए पायलट प्रोजेक्ट हमारे 4 अस्पतालों में कैथ लैब आज काम कर रही है। पंचकूला में कर रही है, अंबाला में कर रही है, गुड़गांव में कर रही है,
फरीदाबाद में कर रहे हैं और हम शीघ्र ही बाकी भी जिला अस्पतालों में हम चाहते हैं कि हम कैथ लैब लगा दें। पिछले 56 माह में हरियाणा राज्य की 59 सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं का गुणवत्ता के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण किया जा चुका है। हमारे छोटे से प्रदेश के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनमें जिला नागरिक अस्पताल रोहतक को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं वर्ष 2018-19 में कायाकल्प कार्यक्रम में 85 स्वास्थ्य संस्थाओं को सुधार करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। 2015 में ऐसे ज्यादा होता चला गया सर। एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा सिविल हॉस्पिटल पंचकुला का लेबोरेटरी नॉर्थ इंडिया का आई थिंक पब्लिक सेक्टर में वन ऑफ द फर्स्ट टू गेट एक्रेडिटेड, जिसका NABL एक्रेडिटेशन 2015 में हुआ और कायाकल्प प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जिसमें कि 20 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को सबसे पहली बार, जो बहुत कम राज्य गए थे, हरियाणा वाज वन ऑफ द यू नो लीडिंग स्टेट्स देयर। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। सहारे के रूप में ये योजना मिली है आज आयुष्मान भारत। हरियाणा में भी 15.5 लाख परिवारों को यह लाभ मिलने वाला है, जिसमें 80 लाख लोग ये लाभान्वित होंगे। परिवार छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर परिवार को वार्षिक 5 लाख रुपए तक की का सहयोग की सहायता इस योजना के माध्यम से मिलने वाली है। नीति आयोग ने भारतवर्ष के हर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं का एक 23 सूत्रीय हेल्थ इंडेक्स पर आकलन किया है। आयोग ने इन 23 मापदंडों में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, अस्पतालों में कार्डिक केयर यूनिट की संख्या, NABH प्रमाणित संस्थाओं की दर इत्यादि को शामिल किया है। 28 जून 2019 को जारी की गई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2017 के दौरान हेल्थ इंडेक्स में सुधार करने में 6.55 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज करके हरियाणा ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। एक प्रयोग सबसे अच्छा मुझे लगा था जब वीकली डे वाइज बेड शीट्स का आपने प्रबंधन किया था, तो बहुत अच्छा प्रयोग था। उसका आज उल्लेख नहीं हुआ कहीं, लेकिन वो भी प्रबंधन में ही है। नहीं तो बेड शीट्स मैली, गंदी या कहीं ना कहीं उस पर धब्बे लगे हुए हैं, इस प्रकार के हॉस्पिटल्स में देखने को मिलते थे। अब बदलेंगे तो कम से कम अनिवार्य रूप से एक बेड शीट के बाद, एक दिन बिछाने के बाद 6 दिन में उसकी धुलाई, उसकी सफाई, उसकी प्रेसिंग, वो सब हो ही जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें भी क्यों ना हो, लेकिन इनका प्रभाव होता है, असर होता है। भारतवर्ष में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाने का फैसला वर्ष 1991 में किया गया था, मगर अफसोस की बात है कि इस दिवस को कभी उस संजीदगी के साथ नहीं मनाया गया जिसका चिकित्सक समाज हकदार था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गत वर्ष मन की बात कार्यक्रम में चिकित्सकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए नमन करके एक नई शुरुआत की। माँ हमें जीवन देती है, माँ हमें जन्म देती है, तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। मन की बात के माध्यम से मैं सभी देशवासियों की तरफ से हमारे सभी डॉक्टर साथियों को आगामी 1 जुलाई को आने वाले डॉक्टर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। हरियाणा में 1991 से आज तक कभी भी इस दिन कोई राज्य स्तरीय कार्यक्रम नहीं किया गया। यह हर्ष और गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की पहल पर 1 जुलाई 2019 से यह परंपरा आरंभ की जा रही है। डॉक्टर और सरकार जब दोनों सेवा भाव से अपने कार्य में जुटेंगे तो समाज को निरोगी रखने के प्रयास निश्चित ही फलीभूत होंगे। चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है।